अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी, आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से समझेंगे, इसकी स्टेटमेंट समझ आती है तो इसको बड़ा आसान हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पॉइंट पहले करते हैं। कहता है कि इफ़ मेयर एल एम 5 सेंटीमीटर, मेयरमेंट एल पी 2.5 सेंटीमीटर एंड एल क्यू 2.3 सेंटीमीटर, देन फाइंड एम मेयरमेंट एल एन। हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एल एन, ये फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि जब हम रेशो की बात करते हैं तो रेशो से मुराद ये होता है कि टू क्वांटिटीज़ लेनी है जो लाइक क्वांटिटीज़ हो, मतलब एक जैसी क्वांटिटीज़ हो। जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो डिस्टेंस एक तरह की होनी चाहिए, उसमें छोटी बड़ी डिस्टेंस नहीं ले सकते। अब हमें ज़रूरत दरअसल है, जो फाइंड करना चाहते हैं वो हमारे पास है एल एन, मतलब हमने L से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है मेजरमेंट है ये फाइंड करना है, बाकी सारी हमारे पास दी गई है। अगर मैं देखूं कि अगर L से लेकर M तक का जो डिस्टेंस है वो L से लेकर N तक के डिस्टेंस के रेशो में आ रहा है, प्रोपोर्शन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि L से लेकर M तक और L से लेकर P तक अगर मैं ये रेशो लेता हूँ तो इस साइड पर जो बात करूँगा वो L से लेकर N तक और L से लेकर P तक की रेशो की बात करूँगा। तो जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो लाइक रेशो होनी चाहिए। जब लाइक रेशो होंगी तो इससे मुराद कि जिस जो हमने इस रेशो में काम किया वही इस रेशो में काम करेंगे। तो सेम रेशो लेंगे तो सेम रेशो से मुराद ये है कि अगर हम एक साइड की जो एक लेंथ ट्रायंगल की एक लेंथ की बात कर रहे हैं ना, तो उस लेंथ में जैसे हमने काम किया दूसरी रेशो में वही लेंथ लेनी है। मैं ऐसे इसको लिखूँगा कि अगर मेरे पास पहले लिख लेते हैं गिवन है, हमारे पास गिवन क्या है, क्वेश्चन इसका फर्स्ट करने जा रहे हैं। तो गिवन दैट इसमें हमारे पास है जी मेजरमेंट एल एम 5 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एल पी 2.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एल क्यू वो हमारे पास है 2.3 सेंटीमीटर एंड हमने फाइंड करना है जी एल एम मेजरमेंट एल एन, ये फाइंड करना है हमने। तो ये 3 मौजूद हैं, ये फाइंड करना है। तो मैं इसको यूज़ करने जा रहा हूँ जिस वे से कि अगर एल एन फाइंड करना है ना तो उसकी इधर से एल एम लेंथ हमने फर्स्ट लेनी है। तो सिंपल क्वांटिटी से लाइक क्वांटिटी से मुराद जो सेम सिनेरियो को यूज़ करना है। सबसे पहले मैं एल एम की बात करता हूँ तो मेरे पास एल एम मेजरमेंट एल एम जो है वो ले ली और उसके साथ मैंने जो दूसरा पॉइंट लिया वो एल पी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास हमें ज़रूरत एल पी की भी है। तो अगर मैं एल एम लेता हूँ बाद में एल पी ले लेता हूँ, मेजरमेंट एल पी, ये छूट है, इसको जैसे मर्जी ले लें। लाइक क्वांटिटी से मुराद है कि जो हम इस साइड पे काम करेंगे वो भी उस साइड पे करेंगे। पहले मैंने इस साइड पे ये सारी लेंथ ली, ये सारी लेंथ ली, फिर मैंने ये लेंथ ली, लाइक फर्स्ट मैंने क्या किया, ये सारी लेंथ ले ली, ये फर्स्ट मैंने ये किया, मैं इधर लिख लेता हूँ फर्स्ट। और सेकंड मैंने क्या किया, इतनी लेंथ ली, ये मैंने क्या किया सेकंड में, फर्स्ट मैंने सारी लेंथ ली, सेकंड में मैंने इतनी लेंथ ले ली सिर्फ एल पी तक। अब इधर भी वही काम करना है, फर्स्ट मैंने क्या करना है, ये सारी लेंथ लेनी है, फर्स्ट ले ली और सेकंड मैंने ये इतनी लेंथ लेनी सेकंड में। तो सारी लेंथ हमारे पास क्या है, मेजरमेंट एल क्यू, इक्वलिटी आएगी क्योंकि प्रोपोर्शन की बात है इधर, तो प्रोपोर्शन की बात जब भी होगी तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एल से एन तक, फर्स्ट ये लेंथ ली हमने एल एन और सेकंड हमने लेंथ ली थी एल पी, तो एल पी में मतलब इतनी लेंथ, तो ये लेंथ कौन सी, एल क्यू, तो हमारे पास सेकंड लेंथ आ गई एल क्यू। ये सिनेरियो बन गया हमारे पास। अब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो जिसको फाइंड करना है उसको छोड़ के बाकी सारी इसकी वैल्यू देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखें एल एम जो है हमारे पास वो दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो हम इसकी जगह लिख लेंगे 5, ठीक हो गया। और एल पी हमारे पास दिया गया 2.5 सेंटीमीटर, तो उसको हम लिख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एल एन हमने फाइंड करना है, इसको छेड़ना ही नहीं है, इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना है। और एल क्यू हमारे पास दिया गया जी 2.3 सेंटीमीटर, ये दे गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले ये डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड करें, 5 को डिवाइड किया 2.5 पे, तो आंसर आ गया हमारे पास 2 आ गया।
अब हमारे पास सिनेरियो बन गया मेजरमेंट एल एन ये, और ये इधर वैसे एक दफ़ा लिख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं। अब ये फाइंड करना, ये डिवाइड हो रहा है, इसकी ज़रूरत नहीं हमें, तो हम क्या करते हैं इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेजरमेंट एल एन जो हमारे पास आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई करवा लिया इसके साथ 2.3 के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4.6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास मेजरमेंट आ गई एल एन। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था उसका हमें आंसर मिल गया। ये काम मैंने किया क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए जो काम करना है उसको देखते हुए, जो काम एक साइड पे करते हैं वही दूसरी साइड पे करते हैं, ताकि लाइक रेशो मिले, लाइक प्रोपोर्शन को यूज़ कर सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन इसका लेते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास इसमें देखें गिवन डाटा हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास है मेजरमेंट एल एम, इसमें हमारे पास है मेजरमेंट एल एम 6 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एल क्यू वो हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट क्यू एन वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर, और हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एल पी। जी ये हमने फाइंड करना है। अब जब भी हमने रेशियो प्रोपोर्शन वाले ऐसे कोई फार्मूला बनाना है तो उसमें हमें छूट है, क्यों, क्योंकि रेशियो की बात करें या प्रोपोर्शन की बात करें उसमें क्वांटिटीज़ जो है वो लाइक होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मतलब इधर भी किलोमीटर फॉर एग्जांपल, तो इधर भी किलोमीटर ही होना चाहिए, इधर मीटर, इधर भी मीटर, इधर सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर। तो इसकी अगर ग्राफ में देखूं, इधर मैं पहले लेंथ फर्स्ट सारी लेंथ ले रहा हूं एल से लेकर एम तक, तो इधर भी पहले मैंने एल और एन ही लेना है। सेकंड में अगर मैं एल पी ले रहा हूं तो इधर एल क्यू ही लेना है, लेंथ भी सेम होगी, लेंथ में क्वांटिटीज़ आ जाती है। कैसे, मैं फार्मूला बना के दिखाता हूं। इसमें हमें ज़रूरत है एल एम की, मतलब एल एम होगा तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे, एल क्यू होगा तो एल एम और एल क्यू, और साथ हमें क्यू एन और साथ हमें एल पी की ज़रूरत है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसको मद्देनज़र रखते हुए हम सेकंड इसका फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर एल एम की बात करें तो ये फर्स्ट ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ सारी की बात करता है, इसको फर्स्ट का नाम देता हूँ। ये फर्स्ट मैं जो ले रहा हूँ वैल्यू वो ये है एल एम, तो उसमें होगा मेजरमेंट एल एम, ये हो गया। अब नीचे जो लेनी है तो उधर दूसरे पे नीचे वही सिनेरियो बनाना है। कैसे, अब इधर हमें एल क्यू, अगर एल इसमें हमें ज़रूरत है एल से लेकर पी तक की, क्योंकि एल पी हमने फाइंड करना है, तो एल पी अगर हमें मैं इधर ले लेता हूँ मेजरमेंट एल पी, तो मैंने इधर काम क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट में ये सारी लेंथ ली और सेकंड में मैंने ये इतनी लेंथ ली एल से लेकर पी तक। तो इधर मैं फर्स्ट जो लूँगा वो सारी लेंथ लूँगा एल से लेकर एन तक, और सेकंड में एल क्यू तक लेंथ लूँगा इसकी। तो सबसे पहले इसमें लूँगा मैं मेजरमेंट एल एन, ये ले लिया, और फिर सेकंड मैंने एल क्यू ले लिया। क्यों, इसमें मैंने फर्स्ट में सारी लेंथ ले ली थी और सेकंड में सिर्फ इतनी ली थी, फर्स्ट में सारी सेकंड में सिर्फ ये एल से लेकर क्यू तक, ये फार्मूला बन गया। अब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है सबसे पहले देखें कि वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं। एल एम मौजूद है, एल एन, एल एन नहीं है जी, एल क्यू मौजूद है हमारे पास, और क्यू एन हमने इधर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले अगर हमारे पास एल एम भी है, एल पी हमने फाइंड करना है, और क्यू इसमें एल क्यू जो वो भी हमारे पास है, ये मेजरमेंट एल एन नहीं है, तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं क्योंकि इसके आगे हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हमारे पास जो इसमें अगर मेजरमेंट एल एन बनाना चाहते हैं तो ये फार्मूला हम बाद में पुट करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं जी मेजरमेंट एल एन। तो ये क्या है जी, एल से लेकर एन तक का डिस्टेंस, इसमें क्या सिनेरियो आ रहा है, एल क्यू और क्यू एन को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें एल एन मिल जाता है। तो अगर हम ऐसा करें कि हमारे पास सिनेरियो ये बन जाए कि अगर हम एल एन बनाना चाहते हैं तो इससे मुराद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड किया जाए तो एल एन मिल जाता है। तो हम इधर लिख लेते हैं मेजरमेंट एल क्यू ये डिस्टेंस और मेजरमेंट क्यू एन ये डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करें, फर्ज करें कि ये 5 है और ये 6 है, तो इन दोनों को ऐड करें तो 11 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में नहीं गिवन, हमने खुद से बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम मेजरमेंट एल एन बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एल क्यू क्या है, एल क्यू हमारे पास है 2.5, ये हो गया, और एल क्यू एन क्या है हमारे पास 5,
तो जब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो जब हम इनको ऐड करते हैं तो एल एन हमें मिल जाता है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि इसको क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तब हम फार्मूले के अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एल एम है, एल एम हमारे पास क्या है 6, और एल पी हमारे पास हमने फाइंड करना है, इसको छेड़ना ही नहीं, इसको हम वैसे लिख लेते हैं एल पी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एल एन, तो एल एम ने अभी फाइंड किया जिसकी हमें ज़रूरत थी 7.5, और नीचे हमारे पास एल क्यू, तो एल क्यू हमारे पास पहले मौजूद है, वो हमारे पास है 2.5। तो यहाँ हमने ये फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे एक दफ़ा लिख लेते हैं मेजरमेंट एल पी, और ये दो डिवाइड हो रहे हैं, इनको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड कैसे करना है, 7.5 तक डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, ये आ गया, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको उधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट एल पी, और ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर मेजरमेंट एल पी हमारे पास क्या आ जाता है 3 × 3 = 6, तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर आ गया मेजरमेंट एल पी, जिसकी हमें अशद ज़रूरत थी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 2 था, सेकंड पार्ट था, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। इसमें किसी किस्म का इशू हो तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें, मैंने डिटेल से बता दिया है, इससे मज़ीद एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आपको इशू हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।